जनवरी 2022 में वायुसेना करने जा रही है राफेल लड़ाकू बेड़े का अपग्रेडेशन, घातक मिसाइलों से लैस होंगे ये विमान। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में खेलेंगे कश्मीर के आरिफ। एलजी ने कहा देश का नाम बढ़ाया है जम्मू कश्मीर से, अब आतंकी नहीं बल्कि देश का नाम रोशन करने वाले होनहार छात्र निकल रहे हैं। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो दोस्तों ताइवान से फिर जा भिड़ा चाइना, आसमान में उड़ा दिया परमाणु बम गिराने वाले विमान, ताइवान में मचा हड़कंप। चौथी बड़ी अपडेट आपको बता दें, गुजरात में जब्त हुआ चाइना और पाकिस्तान का कंटेनर, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जांच तेज। पांचवी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, आतंकी संगठन टीटीपी और पाकिस्तान के बीच डील, दोनों तरफ से रखी गई तीन तीन मांग, सरकार ने बातों को मानने से किया इनकार, खतरनाक दिशा में बढ़ रहा है टीटीपी। अगली अपडेट में आपको बताएंगे, तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, मानवीय संकट के बीच ब्रिटेन को तालिबान सरकार के साथ जुड़ना चाहिए, बोले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। तो दोस्तों और कुछ एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसराइल से भी कुछ एक बड़ी खबर आई है, आरएसएस ने कई ऐलान किए हैं, और इस बीच किसान कानून को लेकर संसद में होने जा रहे हैं बड़े ऐलान। तो दोस्तों एक एक करके खबरें विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान मुंहतोड़ जवाब मिलेगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर राफेल वायुसेना जनवरी 2022 में करेगी राफेल लड़ाकू बेड़े का अपग्रेडेशन समेत कई चीज़ें, जनवरी 2022 में बड़ी योजना की तैयारी। दोस्तों भारत से अब तक 30 राफेल लड़ाकू विमान प्राप्त हो चुका है, ऐसे में बताया जा रहा है कि भारतीय एयरफोर्स जल्द ही राफेल लड़ाकू विमान अपने बेड़े का अपग्रेड करना शुरू करेगी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने बताया है कि भारतीय वायुसेना की एक हाई लेवल टीम इस वक्त फ्रांस में है, जो स्ट्रीट एयरबेस में RB-008 विमान का परफॉर्मेंस देखने पहुंची है। एयरक्राफ्ट इंडिया स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट से लैस है, एक भारतीय वायुसेना द्वारा अप्रूव हो जाने के बाद लड़ाकू विमान और इससे अधिक क्षमता वाले बनाने के लिए अगले साल जनवरी से अपग्रेड शुरू कर दी जाएगी। भारत विशिष्ट समर्थन में भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार अत्यधिक सक्षम मिसाइल, लो बैंड जैमर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का एकीकरण शामिल है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, जम्मू कश्मीर में बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में खेलेंगे कश्मीर के आरिफ। LG ने कहा यह देश के लिए गौरव का पल, जम्मू कश्मीर से अब आतंकी नहीं बल्कि खिलाड़ी निकल रहे हैं होनहार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से देश का 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके अल्पाइन स्कीपर आरिफ खान ने बीजिंग विंटर ओलंपिक के क्वालिफाई कर लिया है। कश्मीर घाटी में हाजी बल के तनमर के रहने वाले 30 वर्षीय आरिफ खान बीजिंग से 4 से 20 फरवरी 2022 तक प्रस्तावित विंटर ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये जम्मू कश्मीर का नाम होगा और कहीं ना कहीं तरीके से भारत का नाम है, क्योंकि दोस्तों जम्मू कश्मीर जिस जम्मू कश्मीर से अभी तक आतंकी निकल रहे थे, अब वहाँ देश का कहीं ना कहीं नाम बढ़ाने वाले अब खिलाड़ी निकल रहे हैं। LG ने भी देश के लिए इसे गौरव का पल बताया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, ताइवान के आसमानों में चाइना ने उड़ा दिए परमाणु बम गिराने वाले विमान, मचा हड़कंप। ताइवान और चीन के बीच तनाव गहराते जा रहे हैं। ताइवान रक्षा मंत्रालय का दावा है कि चाइना के 2 परमाणु बम गिराने वाले विमानों ने रविवार को दक्षिणी में उड़ान भरी। उधर लिथुआना की ओर से ताइवान को अपने देश में दफ्तर खोलने की इजाज़त देने से चीन तिलमिला गया है। चीन ने रविवार को बड़ा फैसला लेते हुए लिथुआनिया में अपने राजनीतिक संबंध राजदूत स्तर से नीचे कर दिए हैं। चीन और ताइवान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है, अपना अभिन्न हिस्सा बताते हुए चीन ताइवान को मिलाने की कोशिश में है, हालांकि ताइवान खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर चुका है। रविवार को ताइवान रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि 2 HCS नेबाशी चैनल में उड़ान भरी है और ये दोनों परमाणु बम गिराने वाले चीन के घातक विमान हैं। इससे पहले भी चीन कई दफ़े शक्ति प्रदर्शन और ताइवान को डराने की नीयत से लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान पर उड़ा चुका है। हम चलते हैं एक और अपडेट, गुजरात में चाइना और पाकिस्तान के कंटेनर जो है जब्त किए गए हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही, अंदर था रेडियो एक्टिव। दोस्तों आपको बता दें, शनिवार को पाकिस्तान ने कहा है कि भारतीय प्रशासन ने जो कंटेनर सीज किए हैं वो खाली थे, लेकिन आपको बता दें कि भारत सरकार का कहना है कि उसमें खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व थे। दरअसल आपको बता दें
भारत की तरफ से बयान में कहा गया है कि माल को गैर खतरनाक श्रेणी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जबकि जब्त किए गए कंटेनरों में खतरनाक श्रेणी 7 के निशान लगे हुए थे जो रेडियो एक्टिव पदार्थों की तरफ इशारा करते हैं। इस बीच APSIZ ने कहा है कि सीमा शुल्क और DRI की एक संयुक्त टीम ने 18 नवंबर को मुद्रा पोर्ट पर विदेशी पोत से कई कंटेनर जब्त किए गए हैं। ये कंटेनर बिना जानकारी दिए खतरनाक माल की ढुलाई के संदेश को लेकर जब्त किए गए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। आतंकी संगठन TTP और पाकिस्तान के बीच डील, दोनों तरफ से रखी गई 3-3 मांग, सरकार ने बातों को मानने से किया इनकार। दोस्तों, TTP खतरनाक तरीके से अब पाकिस्तान में न केवल विस्तार चाहता है बल्कि पाकिस्तान में अपना हक चाह रहा है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री इमरान खान के किसी तीसरे देश में एक राजनीतिक कार्यालय खोलने की अनुमति दी जाए, लेकिन इस मांग को सरकार ने अस्वीकार बताकर खारिज कर दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी दी गई है कि पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने शनिवार को बताया है कि शांति समझौते को लेकर पाकिस्तानी प्राधिकरण के साथ बैठकों के दौरान TTP ने 3 मांग रखी थी। इनमें किसी तरीके से तीसरे देश में एक राजनीतिक कार्यालय खोलने की अनुमति देना, खैबर पख्तूनवा प्रांत के साथ संघीय प्रशासनिक जनजातीय क्षेत्रों के विलय को पलटना और पाकिस्तान में इस्लामी व्यवस्था लागू करना शामिल है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया है कि पाकिस्तानी प्राधिकरणों ने TTP को प्रत्यक्ष रूप से और तालिबान मध्यस्थों के जरिए बताया है कि ये मांग स्वीकार नहीं है। TTP को स्पष्ट शब्दों में विशेष रूप से बताया गया है कि व्याख्या के आधार पर इस्लामी प्रणाली लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है, जबकि TTP इस्लामी प्रणाली पूरी तरीके से लागू करना चाहता है। अगली अपडेट, HAL हर साल 30 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर करेगा उत्पादन, 150 LCH के ऑर्डर लेने पर विचार। दोस्तों, भारत की सरकारी स्वामित्व वाली एयर स्पेस और रक्षा कंपनी पूरी तरीके से अपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने कहा है कि वो प्रति वर्ष लगभग 30 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का उत्पादन करने में सक्षम है। HAL के अध्यक्ष R माधवन ने कहा है कि हम कुल 150 LCH के ऑर्डर लेने पर विचार कर रहे हैं और एक साल के भीतर वायुसेना द्वारा पहले से ऑर्डर किए 15 LCH सौंप सकते हैं। उन्होंने बताया है कि ये ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो 16,400 फीट की ऊंचाई पर भारी सामान के साथ उड़ान भर सकते हैं। माधवन ने यह भी बताया है कि कंपनी को तेजस के नए संस्करण Mark 1A के 73 विमानों के निर्माण का भी ऑर्डर मिला होगा। आपको बता दें कि Mark A1 की बात करें तो पूरी तरीके से नए संस्करण की माधवन ने कहा है कि 2024 तक पहला विमान सौंप दिया जाएगा। इसके कुछ समय बाद अन्य विमानों को सौंपने का भी काम किया जाएगा। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि भारत पहले किसी देश की भूमि पर अतिक्रमण या आक्रमण नहीं करता है। यह नया भारत ऐसे है जो भारत की भूमि पर अतिक्रमण और आक्रमण करता है। तो इस तरीके से दोस्तों, ये कहीं ना कहीं तरीके से HAL हर साल 30 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगा। ये अपने आप में भारत के लिए अच्छी खबर है और आत्म भारत के लिए भी काफ़ी मजबूती है। अगले एक और अपडेट, ईरान के लिए जासूसी कर रहा था इसराइल के रक्षा मंत्री का घरेलू कर्मचारी, मचा हड़कंप। जी हां, खुलासे के बाद से दोस्तों, इसराइल ने देश के रक्षा मंत्री बेनी गेंस के घरेलू कर्मचारी पर ईरान को सूचना देने के लिए मंत्री से निकटता का इस्तेमाल करने की पेशकश करने का आरोप लगाया है। दोस्तों, इसराइल की घरेलू सुरक्षा एजेंसी सिन वेद की गुरुवार को दी गई इस जानकारी के बाद हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी कर्मचारी उमरी गेरन रक्षा मंत्री गेंस के घर पर साफ सफाई और देखभाल का काम करता था। सिनवेंत ने कहा है कि फिलहाल गोरेन एक अनाम ईरानी संस्था से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया था। सिनवेंत ने कहा है कि गोरेन ने रक्षा मंत्री गेंस के कंप्यूटर की तस्वीरों समेत घर के आसपास वस्तुओं की तस्वीरें भी भेजी थी। तो ये बड़ा खुलासा है। हम चलते हैं एक और अपडेट। तो दोस्तों, मोदी कैबिनेट बुधवार को मंजूर कर सकती है कृषि कानूनों की वापसी के विधेयक, 29 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के विधेयक को बुधवार को मंजूरी देने की संभावना है। सरकार के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इन विधेयकों को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को गुरु पर्व के मौके पर कानूनों को वापस लेने की सरकार की मंशा की घोषणा की थी। कानून को वापस लेने की मांग करते हुए पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा है कि वे संसद द्वारा
कानून निरस्त किए जाने तक प्रदर्शन स्थल पर डटे रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा आगे के कदमों पर फैसला करने के लिए 27 नवंबर को एक और बैठक करेगा, जबकि 29 नवंबर को किसानों का संसद तक निर्धारित मार्च तय कार्यक्रम के अनुरूप ही होगा। रविवार को सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाला ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि हमने कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की घोषणा पर चर्चा की है, इसके बाद कुछ फैसले लिए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, नेवी को मिला INS विशाखापत्तनम, राजनाथ सिंह का चीन पर निशाना, कुछ गैर जिम्मेदार देश समुद्र के कानून को गलत बताने में जुटे हैं। दोस्तों, मिसाइलों और पनडुब्बी रोधी रॉकेटों से लैस स्वदेश में निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक विशाखापत्तनम रविवार को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। इसे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई डॉकयार्ड में कमीशन समारोह में भाग लेकर नौसेना को सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारत आज भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित कमीशनिंग में आकर खुशी हो रही है। डिफेंस सेक्टर में हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वॉरशिप आधुनिकता तकनीकी से युक्त है, इसमें प्रयोग के लिए किए गए सिस्टम सिर्फ आज नहीं बल्कि भविष्य की जरूरतों को पूरा भी करेंगे। डिजाइन के मामले में 100% स्वदेशी है। सिंह ने कहा है कि चिंता की बात है कि UNSCLOS की परिभाषा की मनमानी व्याख्या कर कुछ देशों द्वारा इसे लगातार कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अपना अधिपत्य जमाने और संकीर्ण पक्षपाती हितों वाले कुछ गैर जिम्मेदार देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की गलत व्याख्या कर रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। सीएम योगी के कंधे पर पीएम मोदी का हाथ, फोटो शेयर कर मुख्यमंत्री ने लिखा, हम निकल पड़े हैं प्रण करके। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल एक पावरफुल तस्वीर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दिखी, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इन दो तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी के कंधे में हाथ रखे हुए एक गलियारे में टहलते नजर आए और ये तस्वीरें सीएम योगी ने एक कविता के साथ ट्वीट की। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 56वें DGP IGP सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में हैं और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सीएम योगी द्वारा शेयर की गई तस्वीर से भी मुलाकात के दौरान बताई जा रहा है, सीएम योगी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दो तस्वीर शेयर की है। दोनों तस्वीरें नेताओं के बीच की मजबूत तालमेल को दर्शाने के लिए काफ़ी है। प्रधानमंत्री सीएम योगी के कंधे पे हाथ रखकर राजभवन के गलियारे में घूमते और गहन चर्चा करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को इन तस्वीरों को साझा करते हुए एक कविता भी लिखी और इनके माध्यम से अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, लेकिन सीएम योगी ने जो कहा वो भी आप समझिए। सीएम योगी ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा है। हालांकि आपको बता दें, विपक्ष जो है इस तस्वीर को देख करके पूरी तरीके से औंधे मुहे गिर चुका है। हम चलते हैं एक और अपडेट, यूपी चुनाव में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM इस बार यूपी चुनाव के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। यूपी में पार्टी के विस्तार और प्रचार की कमान खुद असदुद्दीन ओवैसी ने ही अपने हाथों में ले रखी है। वो मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच लाकर जाकर लगातार रैलियां कर रहे हैं। उनकी रैलियों में जुट रही भीड़ को देखकर सपा बसपा और कांग्रेस बेचैन है। इसी बीच यूपी चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी रणनीति के बारे में मीडिया को भी अहम जानकारी दी है। उन्होंने न्यूज एजेंसी NI से बातचीत में कहा है कि उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यूपी में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ओवैसी ने बताया है कि उनकी पार्टी एक दो पार्टियों के साथ काम कर रही है, समय आने पर यह बताया जाएगा कि किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे या अकेले। ओवैसी ने दावा किया है कि चुनाव जीतने की स्थिति में अगले अपडेट, सीमा पर सुरक्षा होगी और मजबूत, नियंत्रण रेखा पर स्टील के ढांचे स्थापित करेगा VSF। भारतीय सीमा पर अब सुरक्षा और मजबूत होगी, इसके लिए सीमा सुरक्षा बल यानी VSF नियंत्रण रेखा से सटे अपने स्थानों पर स्टील के ढांचे स्थापित करेगा। VSF ने पाकिस्तान से सटे संवेदनशील सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत करने तथा जवानों को रहने के बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक प्रमुख परियोजना शुरू की है। सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने समाचार एजेंसी PTI को बताया है कि BSF अपने करीब 115 LDL को स्टील के ढांचों में तब्दील करेगा, जिस पर करीब 35 करोड़ रुपए खर्च आएगा। VSF के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने कश्मीर में हाल ही में LDF का दौरा किया था और अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है कि करीब 8,000 से 16,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इन
स्थानों पर जवान फिलहाल लोहे की चादर से बने ढांचों में रहते हैं। हम चलते हैं गौर अपडेट। संयुक्त किसान मोर्चा पीएम मोदी को लिखा खुला पत्र, छह मांगे उठाई, कहा बातचीत शुरू होना तक जारी रहेगा आंदोलन। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी को खुला पत्र लिखा है। पत्र में आंदोलनरत किसानों की छह मांगों को उठाया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को पत्र में लिखा है कि सरकार को तुरंत किसानों के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पंजाब में बनेगा अब चौथा मोर्चा, कैप्टन और भाजपा मिलकर बदलेंगे चुनावी मैच। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद पंजाब में चुनावी तस्वीर बदलती दिख रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने वाले हैं। पीएम मोदी का फैसला यूं तो पूरे देश में असर डालने वाला है, लेकिन पंजाब में सियासी समीकरण बदलते दिख सकते हैं। इससे पंजाब की चुनावी समर चतुष्कोणी हो सकता है। फिलहाल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन चुनावी समर है, लेकिन अब कानूनों की वापसी के बाद मुकाबला चतुष्कोणी हो सकता है। दरअसल कानून वापसी के चलते कैप्टन अमरिंदर सिंह और भाजपा मिलकर चौथा मोर्चा बना सकते हैं। लंबे समय तक पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल के बीच दो ध्रुवीय मुकाबला होता रहा है, लेकिन 2017 में आम आदमी पार्टी तीसरे मोर्चे के तौर पर आई थी। इसके बाद अब भाजपा और कैप्टन मिलकर नई ताकत बनकर उभरे हैं। साथ ही 2022 का चुनाव काफी रोचक होने वाला है। यानी किसानों के मुद्दे पे बैकफुट पे आई मोदी सरकार, अब पंजाब में जो है वो फ्रंट फुट पर खेलने वाली है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, कानून तो बनते बिगड़ते रहते हैं। एक बार फिर से भाजपा के नेता और सांसद और राज्यपाल ने कहा, कानून आज गए फिर कल आ सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विवादास्पद कृषि कानून को निरस्त करने की घोषणा के कुछ दिन बाद उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर कानूनों को फिर से लाया जा सकता है। ये देश की स्थिति, परिस्थिति और जरूरत के हिसाब से तय किया जाएगा। इसके साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्रा, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने भी कहा है कि फिलहाल ये तो आता जाता रहेगा। यानी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि फिलहाल कानून तो आता जाता रहेगा, यानी फिर भी आ सकता है आने वाले भविष्य में, इशारा दिए हैं। अगली अपडेट, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान ने लिया बड़ा फैसला, भोपाल और इंदौर में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल और राज्य की आर्थिक राजधानी इंदौर को लेकर बड़ा फैसला किया है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने दोनों जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का फैसला किया। शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, लेकिन भोपाल और इंदौर में बढ़ती जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार और साथ ही तकनीकी के कारण उत्पन्न हुई कानून व्यवस्था संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि भौगोलिक दृष्टि से महानगरों का विस्तार हो रहा है, जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने फैसला किया है कि भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। दोनों जिलों में कानून व्यवस्था और बेहतर बनाने का काम किया जाएगा ताकि अपराधियों पर और नियंत्रण बेहतर हो सके। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, अब नया मामला निकल के आया है। यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में काले लिबास, टोपी और मास्क वाले रहेंगे बैन। 4 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रहेंगे पीएम मोदी। यूपी में होने वाले आगामी चुनाव से पहले नई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर जनसभा स्थल पर काले कपड़े, काली टोपी, यहां तक कि काला मास्क लगाए लोगों की प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल पर सारी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दे दिए हैं। जानकारी के मुताबिक 22 नवंबर तक सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी, जिसके लिए प्रशासन जुटा हुआ है। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी खबर, 22 करोड़ लोगों के देश में एक जनरल हावी, कटघरे में पाकिस्तान की न्यायपालिका। दोस्तों, पाकिस्तान में सरकार से लेकर न्यायपालिका तक हर जगह सेना का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते देश में एक बार फिर बहस छिड़ गई है। पाकिस्तान की न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शनिवार को देश के सुरक्षा संस्थानों द्वारा न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप के आरोपों को लेकर आमने सामने आ गए हैं। हालांकि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा
कहा है कि फिलहाल देश की न्यायपालिका कभी भी इन अन्य संस्थानों से निर्देश नहीं लेती है। उन्होंने कहा है कि किसी भी उनके काम को दखल नहीं देने की हिम्मत नहीं होती है। तो दोस्तों कई तरीकों को लेकर कई बातें उन्होंने कही हुई हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, बाहुबली मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, लखनऊ में पत्नी आपशा की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। दोस्तों बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आपशा अंसारी के नाम से लखनऊ में खरीदी गई करोड़ों की जमीन को आजमगढ़ पुलिस ने रविवार को कुर्क कर दिया। कुर्क की गई जमीन 194 वर्ग मीटर है और यह जमीन विधानसभा मार्ग पर एक पेट्रोल पंप के बगल में स्थित है। जमीन भी पहले पेट्रोल पंप चल रहा था। जमीन नजुल की है जिसमें अवैध रूप से खरीदा गया था। आजमगढ़ पुलिस ने तारवा थाने में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमे के तहत यह कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान लखनऊ जिला प्रशासन से तहसीलदार सदर, तहसीलदार LDA, इंस्पेक्टर हुसैनगंज अजय कुमार सिंह और आजमगढ़ स्वाट टीम प्रभारी, अन्य मामले की विवेचना प्रशांत कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।